स्टूडेंट्स कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हैं इंजॉय कर रहे हैं ठीक है चले स्टूडेंट्स आज का जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो टॉपिक है वो है प्रोसेस एंड थ्रेड्स सबसे पहले हम प्रोसेस देखेंगे कि प्रोसेसिस क्या होते हैं ठीक है बेसिकली प्रोसेस हर चलती हुई चीज को कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज जो रनिंग में चल रही है हम उसको प्रोसेस कहते हैं फॉर एक्जाम्पल मेरे पास ये डेस्कटॉप के ऊपर चीज एग्जीक्यूशन में चल रही है मतलब एक पावर पॉइंट की स्लाइड चल रही है तो इसको भी हम प्रोसेस कहेंगे ठीक है तो इसमें सबसे पहले हम प्रोसेस के अंदर सबसे पहले देखते हैं कि प्रोसेस होती क्या है क्या चीज है और इसमें कौन कौन सी चीजों को हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम कंटेंट्स में देखते हैं प्रोसेस उसके बाद लिखा हुआ थ्रेड उसके पास लिखा हुआ IPC, है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन आई ठीक है और स्केडुल या शेड्यूलिंग ठीक है अब सबसे पहले हमने प्रोसेस को पढ़ना है तो प्रोसेस के डेफिनेशन और उसको देखते हैं प्रोसेस क्या होता है प्रोग्राम्स क्या होते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड प्रोग्राम वो कहते हैं प्रोग्राम और प्रोसेस के अंदर फर्क क्या होता है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व प्रॉब्लम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन का सेट होता है उसको हम कहते हैं प्रोग्राम और अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज प्रोसेस मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में चल रहा हो उसको हम कहते हैं प्रोसेस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन के सेट को हम कहते हैं प्रॉब्लम, ठीक है, problem, है, और process, है? कि कोई प्रोग्राम जो चल है उसको हम कहते हैं प्रोसेस इसके बाद हम आगे देखते हैं डिफरेंट बिटवीन प्रोसेस एंड प्रोग्राम उसकी एक उसने एक हमें दी हुई एग्जाम्पल बेकिंग बर्थ केक, के बर्थडे केक को तैयार करना है सबसे पहले वो क्या कहता है बेकर है रेसिपी है है इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट नंबर के ऊपर वो मुझे केक एक आदमी है जो क्या कर रहा है केक को बना रहा है रेसिपी मेथड टू बेक द केक केक को बनाने के तरीकेकार को मेथड कहते हैं ठीक है इंग्रेडिएंट्स इनपुट थिंग्स टू बेक द केक कि जो चीजें उसके अंदर एंटर की जाएंगी इनपुट कर इनपुट करेंगे उसको क्या कहते हैं हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं बेकर इज एन एन एक्ट एज प्रोसेसर कि जो बंदा केक बना रहा है उसको हम क्या कहेंगे प्रोसेसर है या सीपीयू है ठीक है उसके बाद रेसिपी एक्ट एज एन प्रोग्राम जो रेसिपी है वो क्या चीज है एक प्रोग्राम का, का काम कर रही है इनग्रीडियंट एक्ट एज एन इनपुट डाटा जो इनग्रीडियंट है वो क्या है इनपुट डाटा के तौर पर काम करते हैं ऊपर जैसे बताया हुआ है, कि एक बना रहा है उसका जो तरीका का रहा है, उसको हम रेसिपी उसके अंदर प्रोसेसर का काम कर का। रहा है रेसिपी जो होगी उसको हम कहेंगे प्रोग्राम और इनपुट इंग्रेडिएंट्स। एक्ट एज इनपुट डाटा के जो है डाटा उसके अंदर मतलब इनपुट किया जा रहा है सो प्रोसेस इज एन एक्टिविटी कंसिस्टिंग ऑफ अवर बेकर रीडिंग द रेसिपी फैचिंग द इनियंट दिन आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं टीचर हूँ मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं इस वक्त प्रोसेसर हूँ ये जो मेरे पास कंप्यूटर पड़ा हुआ है ठीक है ये क्या है जो मतलब मेरा जो तरीकाकार है उसको मेथड कहेंगे रेसिपी है कि किस तरीकेकार से मैं किस तरीकेकार को कंप्यूटर को फॉलो कर रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डर को फॉलो कर रहा हूँ जूम को फॉलो कर रहा हूँ ये मेरा तरीकाकार है जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा इनपुट इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? कौन सा सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ तो उसको प्रोसेसर कहते हैं जिस हो है, है। और जिसको डिलीवर किया जाता है मतलब जिस चीज को पढ़ाया जा रहा होता है वो है इनपुट इनपुट को हम कहते हैं सेम इन दिख जो भी बंदा केक बनाएगा उसको हम कहेंगे बेकर ठीक है जिस तरीके कार से बनाएंगे उसको हम मेथड कहेंगे जो चीजें उसके अंदर डालेंगे उसको हम इनपुट थिंग्स कहेंगे इसी तरह आगे चलते हैं द प्रोसेस मॉडल ये प्रोसेस मॉडल को डिफाइन कर रहा है द प्रोसेस मॉडल ऑल सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर इज ऑर्गेनाइज इंटू नंबर ऑफ सिक्वेंशियल प्रोसेसिस वो कहते हैं हर कंप्यूटर जो है वो सिक्वेंशियल ऑफ प्रोसेसिस के ऊपर डिवाइड किया होता है अ प्रोसेस इंक्लूड पीसी रजिस्टर्स एंड वेरिएबल प्रोसेसर के अंदर पीसी भी होता है प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स भी होते हैं प्रोसेसर के अंदर वेरिएबल्स भी होते हैं इन रियलिटी द सीपीयू स्विचेस बैक एंड फोर्थ अमंग प्रोसेसेस रैपिड स्विचिंग बैक एंड फोर्थ इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग वो कहता है कि जो सीपीयू है ना वो स्विच करता है बैक एंड फोर्थ अमंग प्रोसेसेस कि सीपीयू कभी किसी प्रोसेस को डी कर रहा होता है कभी किसी प्रोसेस को कभी किसी प्रोसेस को कभी किसी प्रोसेस को फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पावर पॉइंट की स्लाइड चल रही है तो सीपीयू उसको डील कर रहा है मेरे पास ये जूम चल रहा है तो सीपीयू उसको डील कर रहा है मैं एक्सेल की स्लाइड ओपन कर लूंगा सीपीयू रैपिडली इसके ऊपर स्विच कर जाएगा और बाकी जितने प्रोसेस होंगे उससे हट जाएगा ठीक है उसको सस्पेंशन में ले आएगा और बाकी जो रनिंग प्रोसेस जो डेस्कटॉप के ऊपर चल रहा होगा उसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू कर देगा तो इसमें भी वो बता रहा है कि सीपीयू डिफरेंट प्रोसेसेस के ऊपर काम कर रहा होता है फॉर एग्जांपल ये है बी है सी है डी है तो जो रनिंग के ऊपर जैसे यहाँ पे पावर पॉइंट रनिंग के ऊपर चल रहा है मेरे पास ठीक है तो उसको हम क्या कहेंगे कि सीपी इस वक्त पावर पॉइंट के ऊपर काम कर रहा है बाकी प्रोसेसर फॉर एग्जाम्पल ये फोल्डर है इंटरनेट एक्सप्लोर ये रस्ट स्टेट में पड़े हुए हैं इसके ऊपर वर्कआउट नहीं हो रहा ये रस्ट स्टेट में है जब ये डेस्कटॉप के ऊपर मतलब शो होंगे इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में आएंगे तो इसके ऊपर वर्कआउट स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो रैपिड स्विचिंग बैक एंड फोर्थ इज फोर मल्टी प्रोग्रामिंग के रैपिडली स्विच करता है फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अदर प्रोग्राम फॉर एग्जाम्पल ये ओपेरा से ये स्विच करेगा यहाँ पे यहाँ से स्विच करेगा जूम के ऊपर जूम से स्विच करेगा ये पावर पॉइंट के ऊपर तो so, ये रैपिड स्विचिंग है ये देखिए जूम की मैंने ये स्लाइड ओपन की इसको बंद कर दिया ठीक है इसको ओपन किया इसको बंद कर दिया तो ये रैपिड स्विचिंग है फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म या वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं फोरग्राउंड प्रोसेस बैकग्राउंड प्रोसेस दो तरह के प्रोसेस होते हैं एक फोरग्राउंड होता है एक बैकग्राउंड प्रोसेस होता है फोरग्राउंड प्रोसेस इंटरेक्ट विद यूजर एंड परफॉर्म वर्क फॉर देम फोरग्राउंड प्रोसेस वो होता है जो इंटरेक्ट कर रहा होता है यूजर के साथ और वर्क कर रहा होता है हमारे लिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पावर पॉइंट की स्लाइड चल रही है ये मेरे पास फोरग्राउंड प्रोसेस है ये यूजर से इंटरक्शन हो रही है ना तो ये फोरग्राउंड प्रोसेस है बैकग्राउंड प्रोसेस क्या होगा नोट एसोसिएटेड विद यूजर बट हैव सम स्पेशल फंक्शंस जो बैकग्राउंड प्रोसेस होता है वो यूजर्स के साथ एसोसिएटेड नहीं होता लेकिन वो कुछ स्पेशल फंक्शनलिटीज परफॉर्म कर रहा होता है फॉर एग्जाम्पल हमारा जो सी पी यू है वो रिसोर्स एलोकेट कर रहा है जो कि इस इस प्रोसेस को चलने में हेल्प आउट कर रहे हैं हमारा सीपीओ रिसोर्स एलोकेट कर रहा है जो कि मेरे कंप्यूटर सिस्टम को चलने में हेल्प आउट कर रहे हैं तो ये क्या है बैकग्राउंड प्रोसेस हमारा सीपीओ रिसोर्स एलोकेट करता है जो ये जूम को चलने में हेल्प आउट कर रहे हैं इस स्क्रीन को चलने में हेल्प आउट कर रहे हैं तो ये सारा का सारा प्रोसेस क्या है बैकग्राउंड प्रोसेस फोरग्राउंड प्रोसेस वो होता है जो हमारे सामने हो रहा होता है बैकग्राउंड प्रोसेस वो हो रहा होता है जो कंप्यूटर इंटरनल मतलब उसको सपोर्ट कर रहा होता है उस प्रोग्राम को उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होता है या उस प्रोसेस को चला रहा होता है उसको हम कहते हैं बैकग्राउंड प्रोसेस। उसके बाद है प्रिंसिपल इवेंट्स डेट केसिस प्रोसेस क्रिएशन ये कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं जिसकी बेस के ऊपर कौन से प्रिंसिपल है जिसकी बेस के ऊपर कोई प्रोसेस क्रिएट किया जाता है सिस्टम इनिशियलाइजेशन सबसे पहले क्या होता है सिस्टम को इनिशियलाइज किया जाता है उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस क्रिएट सिस्टम एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस क्रिएट सिस्टम किसी भी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस चलाया जाता है क्रिएशन मतलब क्रिएट करने का कोई भी एक प्रोसेस क्रिएट किया जाता है फॉर एग्जांपल मैं यहां पे इस फोल्डर को ओपन करने की कमांड देता हूं तो यह एक नया प्रोसेस क्रिएट किया जा रहा है

प्रिंसिपल केसेस प्रोसेस क्रिएशन के प्रोसेस को क्रिएट करने के केसेस होते हैं सबसे पहले सिस्टम होता है प्रोसेस को क्रिएट करने, मतलब करने के लिए यूजर रिक्वेस्ट टू क्रिएट प्रोसेस यूजर को परमिशन दी जाए कि वो एक नया प्रोसेस क्रिएट करे और बैड जॉब्स को इनिशियलाइज करे इनिशिएट करे ठीक हो गया अब इसके बाद प्रोसेस क्रिएशन सिस्टम इनिशियलाइजेशन ये डायग्राम है जो सिस्टम इनिशियलाइजेशन को शो कर रही है मतलब ये सिस्टम क्या चल रहे हैं ये प्रोसेस की फॉर्म में चल रहे हैं ये क्या चल रहा है प्रोसेस चल रहा है और ये सिस्टम को इनिशियलाइज कर रहा है और ये वैल्यूज ये डिफाइन की हुई हैं किस तरीके से वैल्यूज चलती हैं जब कोई सिस्टम इनिशियलाइज होता है ठीक है उसके बाद है प्रोसेस क्रिएशन फोरग्राउंड प्रोसेस जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होता है तो दो तरह की टाइप जो है वो क्रिएशन के प्रोसेस होते हैं एक बैकग्राउंड प्रोसेस होते हैं और एक फोरग्राउंड प्रोसेस होता है जो फोरग्राउंड प्रोसेस होता है वो हमें नजर आ रहा होता है बैकग्राउंड प्रोसेस वो होता है जो इसको बैक के ऊपर से इस प्रोसेस को चलने के लिए सपोर्ट कर रहा होता है तो ये फोरग्राउंड प्रोसेस है उसके बाद प्रोसेस क्रिएशन सिस्टम इनिशियलाइजेशन सिस्टम चला रहे हैं मतलब ये डिफाइन किया गया कि यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेगा और सिस्टम को क्या है चला रहा है रन कर रहा है ओपन कर रहा है प्रोसेस क्रिएशन एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसेस क्रिएशन सिस्टम कॉल सबसे पहले वो कहता है रनिंग प्रोसेस विल इशू सम सिस्टम कॉल टू क्रिएट वन और मोर न्यू प्रोसेसेस वो कहता है जब भी कोई प्रोसेस रनिंग कर रहा होता है तो वो वन और मोर प्रोसेसेस को जो है वो चला रहा होता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फेच आवर नेटवर्क एक नेटवर्क से ज्यादा अमाउंट ऑफ डाटा फेच कर रहे हो ये भी एक प्रोसेस क्रिएशन है यूजर रिक्वेस्ट फॉर अ फाइल टू बी प्रिंटेड कि यूजर रिक्वेस्ट करता है कि एक एक फाइल को प्रिंट कर दो ये भी प्रोसेस क्रिएशन का मेथड है फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता हूं कि एक फाइल को प्रिंट कर दे तो ये भी मेरा एक यूजर इंस्ट्रक्शन दे रहा है जो कि क्या है एक प्रोसेस को क्रिएट कर रहा है ठीक है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हम सर्वर से लेके आ रहे हैं डेटाबेस से लेके आ रहे हैं तो वो भी क्या है एक प्रोसेस क्रिएट कर रहा है जो कि डेटाबेस से या सर्वर से डेटाबेस को लेके आ रहा है ठीक है इस तरह प्रोसेस की कई एक्टिविटीज होती है किसी कमांड को प्रिंट करने के लिए किसी फाइल को स्कैन करने के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन आप देते हैं तो मतलब वो प्रोसेस क्रिएट होता है और उसके अकॉर्डिंग रिसोर्स एलोकेट होते हैं जो सीपीओ क्रिएट करता है रिसोर्सेज को एलोकेट करता है और वो प्रोसेस को डील करते हैं प्रोसेस क्रिएशन है। आ यूजर रिक्वेस्ट टू तो क्रिएट अ न्यू प्रोसेस यूजर भी रिक्वेस्ट कर सकता है फॉर एग्जांपल यूजर ही रिक्वेस्ट करता है तो प्रोसेस एक नया क्रिएट होता है दीज एक्शन स्टार्ट आर न्यू प्रोसेस एंड द सिलेक्टेड प्रोग्राम इन इट वो कहते हैं अब कमांड ये कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है इस कमांड के जरिए उसने इस फोल्डर को एक्सेस किया कि मतलब कमांड्स वो देता है कमांड्स के जरिए उस फोल्डर को एक्सेस कर रहा है मतलब उसका बताने का यही है कि किसी प्रोसेस प्रोसेस को को यूजर भी रिक्वेस्ट करके उस क्रिएट कर सकता है मतलब या तो इस फोल्डर को बना सकता है या इस फोल्डर को क्रिएट कर सकता है या इस फोल्डर को सर्च कर सकता है या इस फोल्डर को मतलब ओपन कर सकता है प्रोसेस क्रिएशन बैच सिस्टम प्रोसेस बैच सिस्टम होता है कि

उसकी कमांड के ऊपर वर्कआउट कर रहा है। प्रोसेस क्रिएशन बैच सिस्टम ये ये बैच सिस्टम उसने बताया हुआ है कि सारे के सारे क्या प्रोसेस क्रिएट हो रहे हैं बैच सिस्टम के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे प्रोसेस क्रिएट हो रहे हैं उसके बाद है प्रोसेस टर्मिनेशन जब एक प्रोसेस बनता है वो जब कंप्लीट होता है कंपाइल हो जाता है एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो खत्म होता है जब वो प्रोसेस ख़त्म होता है तो कई रीजनस के अकॉर्डिंग वो ख़त्म होता है कि वो नॉर्मल एग्जिट हो रहा है एरर एग्जिट हो रहा है फेटल एरर आ रहा है या किल्ड बाय अनदर प्रोसेस हो रहा है मतलब प्रोसेस जब भी कोई क्रिएट होगा तो उसको ख़त्म होने में कुछ टाइम लगेगा वो खत्म होने का तरीका क्या क्या होता है किस तरीके से वो प्रोसेस फिनिश होता है इसको डिस्कस करते हैं तो कंडीशन विच टर्मिनेट प्रोसेस नॉर्मल एग्ज़िट नॉर्मल एग्जिट क्या होती है एरर एग्जिट एरर एग्जिट क्या होती है फेटल फेटल एरर एरर क्या होता है किल्ड किल्ड बाय बाय अनदर अनदर प्रोसेस प्रोसेस क्या चीज होती है इन चीजों को हमने डिस्कस करना है अब आगे सबसे पहले वो कहते हैं नॉर्मल एग्जिट प्रोसेस टर्मिनेट बिकॉज दे हैव डन देयर वर्क दिस इज कॉल्ड नॉर्मल एग्जिट नॉर्मल एग्जिट वो है कि मतलब प्रोसेस टोटली कंप्लीटली चल जाता है और उसके बाद फिनिश हो जाता है एग्जिट हो जाता है टर्मिनेट हो जाता है मतलब वो अपना जो काम प्रोसेस कर रहा था उसको कंप्लीट करके खत्म हो जाता है कंप्लीट करने के बाद एग्जिट हो जाता है कंपाइलर कंपाइल द प्रोग्राम दिस कॉल इज एग्जिट प्रोसेस इन विंडो ये उसका कहने का मकसद ये है कि कंपाइलर जो है वो कंपाइल कर रहा है प्रोग्राम को उसने टोटली totally कंपाइल कर लिया प्रोग्राम को कोई एरर नहीं आया कोई मसला मसाइल नहीं आया जो प्रोग्राम है वो टोटली totally तौर पे कंपाइल हो गया कंपाइल होने के बाद वो एग्जिट हो जाएगा ये होती है नॉर्मल एग्जिट के प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो उसके बाद वो एग्जिट हो जाए खत्म हो जाए टर्मिनेट हो जाए ये है जी प्रोसेस टर्मिनेशन नॉर्मल एग्जिट मतलब कोई भी कंपाइलर जो है ना वो मतलब कोई भी टास्क है वो चल रहा है ठीक है कोई भी प्रोसेस है चल रहा है वो चलने के बाद एंड प्रोसेस हो जाता है खत्म हो जाता है उसमें कोई चलने में एरर नहीं आता या उसका खत्म होने के पीछे कोई एरर नहीं होता प्रोसेस टर्मिनेशन नॉर्मल एग्जिट की एक एग्जाम्पल दी हुई है नॉर्मल नॉर्मल एग्जिट एग्जिट ये भी भी की दी है मतलब कोई भी प्रोसेस आप ओपन करते हैं उसको क्लोज कर देते हैं अपनी मर्जी से कोई एरर के अगेंस्ट उस प्रोसेस को रोकना नहीं पड़ता अपनी मर्जी से आप खत्म कर रहे हैं प्रोसेस अपना कंपाइलेशन टाइम कंप्लीट करके खुद खत्म हो रहा है उसके बाद है एरर एग्जिस्ट

प्रोग्राम वन डॉट सी एक सिंपल एक सी की मिसिंग है और यहाँ पे डबल सी की मिसिंग है अगर मैं सर्च इसको कर रहा हूँ एंड नो सच फाइल एग्जिट द कंपाइलर सिंपली एक्सिट मतलब मैं किसी ऐसी चीज को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे कंप्यूटर में मौजूद ही नहीं है ठीक है जो प्रोग्राम मेरे पास मौजूद ही नहीं है तो कंप्यूटर क्या करेगा नॉर्मली एग्जिट कर जाएगा मतलब वो उसको फाइल मिलेगी नहीं फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने फोल्डर के अंदर सी सी प्रोग्राम वन डॉट सी की फाइल रखी हुई है और मैं सर्च कर रहा हूँ प्रोग्राम वन डोट सी तो वो कभी भी सर्च नहीं होगी वो मतलब कंपाइलर मतलब मेरा प्रोग्राम सर्चिंग करेगा प्रोसेस सर्चिंग करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा वो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली एरर एग्जिट कर देगा जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा मतलब किसी ऐसी फाइल को सर्च करने की कोशिश करना जो इसके अंदर एग्जिट कर रही नहीं, नहीं। जो इसके अंदर मौजूद ही नहीं है उसको कहते हैं एरर एग्जिट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें वो फाइलें फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है जो उसके पास मौजूद नहीं है ठीक है Window environment. Window environment में ये वो देगा कि अगर कोई आप करते हैं और वो फाइल ऑलरेडी मौजूद नहीं है तो वो इस तरह की फाइल देगा ठीक हो गया विंडो एनवायरमेंट के अंदर इस तरह का भी एरर आ सकता है कि वो जो फाइल आपके अंदर पास मौजूद नहीं है या जो पासवर्ड आप एंटर कर रहे हो वो आपके इनकोरेक्ट है फेटल एरर एर उसके बाद है फेटल एरर प्रोसेस टर्मिनेशन फेटल एर इनकम

डेटा डेट द प्रोग्राम वाज प्रोसेसिंग जब भी फेटल एर आएगा तो दो डेटा होगा प्रोग्राम का वो मिस हो सकता है मिसप्लेस हो सकता है दिस इज एन एरर केसड बाई द प्रोसेस ऑफर ड्यू टू द प्रोग्राम बग ये प्रोग्राम के बग की वजह से यह एरर जनरेट होते हैं इसमें डाटा लॉस भी हो सकता है मतलब आप कोई इलीगल कमांड भी चलाने से ये एरर जनरेट हो सकता है एग्जीक्यूशन एंड इलीगल इंस्ट्रक्शन कि आप इलीगल इंस्ट्रक्शन चला रहे हो उसकी वजह से भी फैटल एरर क्रिएट हो सकता है रेफरेंसिंग नॉन एग्जिस्टिंग मेमोरी लोकेशन क्या आप किसी ऐसी मेमोरी को कॉल करने की कोशिश कर रहे हो जो मौजूद ही नहीं है मतलब किसी ऐसी मेमोरी लोकेशन को बुला रहे हो किसी ऐसी मेमोरी को कॉल कर रहे हो जो उस कंप्यूटर के अंदर एग्जिस्ट करती ही नहीं है डिडिंग द नंबर बाय जीरोप्शन एरर किसी भी नंबर को आप जीरो पे डिड करोगे तो आपके पास एक्सेप्शन एरर आ जाएगा मतलब फेटल एरर उस वक्त मौजूद होता है उस वक्त आता है कि जब आप रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट चल रहे होते हो ठीक है इसमें आपका डेटा मतलब लॉस भी हो सकता है प्रोग्राम बग भी क्रिएट कर कर सकता है फॉर एग्जांपल किसी भी नंबर को आप प्रोग्राम के अंदर जीरो पे डिवाइड करोगे तो एक्सेप्शन आ जाएगी एक्सेप्शन एरर आएगा आप किसी भी ऐसी मेमोरी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो प्रोग्राम के थ्रू जो एग्जिस्ट नहीं करती तो फेटल एरर आएगा आप कोई भी इलीगल इंस्ट्रक्शन चलाते हो तो उसके अकॉर्डिंग फेटल एरर आएगा ठीक हो गया इसके बाद है ये फेटल एरर फेटल एरर आ जाए तो इस तरह की विंडो शो होगी जिसके अंदर वो बताएगा कि जो आप कमांड चलाने की कोशिश कर रहे हो वो मतलब सुटेबल नहीं है या कंप्यूटर उसको सपोर्ट नहीं करता प्रोसेस टर्मिनेशन फेटल एरर कमांड विंडो सेम इन फेटल एरर कमांड विंडो कोई भी आप प्रोसेस चलाते हो तो फेरर फेटल एरर इस तरीके से सिस्टम के अंदर आ सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ठीक है प्रोसेस टर्मिनेशन किल्ड बाई एनदर प्रोसेस वो कहता है प्रोसेस उस वक्त भी टर्मिनेट हो जाता है जब उसकी जगह कोई एनदर प्रोसेस ले लेता है तो वो भी प्रोसेस को क्या कर देता है टर्मिनेट कर देता है प्रोसेस एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल टेलिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम टू किल अदर प्रोसेस इन यूनिक्स दिस कॉल इज किल एंड टर्मिनेट प्रोसेस इन विंडोज वो कहते हैं मेरे पास एक प्रोसेस चल रहा है ऑलरेडी रनिंग के ऊपर चल रहा है एकदर प्रोसेस क्रिएट होता है जिसका टाइम ऑफ सबमिशन और टाइम ऑफ कम्पलीशन लेस होता है जो ऑलरेडी मेरे पास प्रोसेस चल रहा है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक प्रोसेस चल रहा है जिसका डाटा है टू जी बी और उसको टाइम लगेगा कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट थर्टी मिनट्स और एक नया प्रोसेस जनरेट होता है जिसका डाटा है जीरो पॉइंट वन एम बी और उसको कंप्लीट होने में माइक्रो सेकेंड मिली सेकेंड लगेंगे तो जो मेरा ऑलरेडी रनिंग पे प्रोसेस होगा वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाएगा और जो मेरा लेस लेस अमाउंट अमाउंट ऑफ ऑफ मतलब प्रोसेस होगा जिसको टाइम भी कम लगेगा और वो जल्दी सबमिट होके एग्जीक्यूट हो जाएगा वो उसकी रिप्लेसमेंट में जगह ले लेगा ठीक है तो समाइम ऐसे भी होता है कि एक रनिंग प्रोसेस को अदर प्रोसेस आके किल कर देता है और उसकी जगह खुद ले लेता है तो वो कह रहा है किल बाय अनदर प्रोसेस के प्रोसेस चलते हुए प्रोसेस को अनदर प्रोसेस आके किल करके उसकी जगह रिप्लेसमेंट भी ले सकता है इसी तरह इसने ये भी बताया प्रोसेस एग्जीक्यूट अ सिस्टम कॉल टेलिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम टू किल सम अदर प्रोसेस कि जैसे ही प्रोसेस चल रहा होता है तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को खुद से भी बता सकते हो कि इस प्रोसेस को किल कर दो अदर प्रोसेस को स्टार्ट कर दो ठीक है उसके बाद ट्रांजिशन ट्रांजिशन डायग्राम ये प्रोसेस की ट्रांजिशन डायग्राम है टू स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ट्रांजिशन डायग्राम आपको बता रही होती है कि प्रोसेस किस तरीके से चलता है क्या क्या स्टेट्स होती है उसमें किस तरीके से वो वर्कआउट करता है तो इस ट्रांजिशन डायग्राम के अंदर जस्ट यही डिफ़ाइन किया गया है कि प्रोसेस किस तरीके से स्टार्ट होता है किन मराल से चलता है और किन मरल से चल चल के वो किस तरीके से सबमिट होता है और किस तरीके से एग्जिट होता है सबसे पहले यहां पे इस डायग्राम में बताया हुआ है कि एंटर यहां पे देखें सबसे पहले इस डायग्राम में बताया हुआ है एंटर एंटर के करने के बाद है नोट रनिंग ठीक है नोट रनिंग हो रही है उसके बाद ये हो जाता है डिस्पैच डिस्पैच होगा तो ये किस स्टेट में आ जाएगा रनिंग जब रनिंग स्टेज में आ गया तो ये क्या हो जाएगा एग्जिट हो जाएगा लेकिन अगर ये एंटर होता है और नोट रनिंग स्टेट में है और उसके बाद ये रनिंग स्टेट में आता है रनिंग स्टेट में आने के बाद इसको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीजें नहीं मिलती तो ये दोबारा नोट रनिंग स्टेट में आ जाएगा ठीक है ये इसका ये मतलब है कि, कि किल कर रहा है एक अनदर प्रोसेस और उसकी जगह एक और अनदर प्रोसेस आ जाएगा जो कि रनिंग स्टेट में आके एग्जिट हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल मैं अपना कंप्यूटर चलाता हूँ और मैं प्रिंटर की कमांड देता हूँ जो प्रिंटर की कमांड है वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी नोट रनिंग में उसको सिस्टम डिस्पैच करेगा डिस्पैच होने के बाद प्रिंटर की कमांड यहाँ पे आगे रनिंग में लेकिन मेरा प्रिंटर मेरे कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं है प्रिंटर की कमांड मैंने दी गई हुई है तो जब तक मेरा प्रिंटर अटैच नहीं होगा प्रिंट नहीं निकलेगा तो ये जो रनिंग स्टेट से है ये दोबारा नोट रनिंग में आ जाएगा इसकी अगेंस्ट अगर मैं कोई और कमांड देता हूँ यहाँ पे क्लिक करने की या कोई फाइल ओपन करने की तो वो फाइल यहाँ पे आएगी वो प्रोसेस यहाँ पे आएगा यहाँ से डिस्पैच होगा रनिंग होगा और वो एग्जिट हो जाएगा जब तक इस पहले वाले प्रोसेस को फर्स्ट प्रोसेस को प्रिंटर की कमांड नहीं मिलेगी प्रिंटर नहीं मिलेगा तब तक ये प्रोसेस ऐसे ही सस्पेंशन स्टेट में रहेगा इसी तरह नो रनिंग स्टेट में रहेगा तो किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए उसकी मतलब कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स भी चाहिए अगर प्रिंटर अटैच नहीं आप प्रिंटर की कमांड दे रहे हो तो वो प्रोसेस नो रनिंग स्टेट में जाएगा नो रनिंग स्टेट में ही रहेगा अगर वो रनिंग में जाता है तो दोबारा से पॉज होके नोट रनिंग स्टेट में आ जाएगा तो इसका ये मतलब है कि जब भी कोई प्रोसेस आता है वो पहले नोट रनिंग स्टेट में होता है ये इसकी फर्स्ट स्टेट है उसके बाद डिस्पैच होता है डिस्पैच होने के बाद रनिंग स्टेट में आता है अगर तो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ें मिल जाती हैं तो वो रन होके okay, एग्जिट हो जाता है अदरवाइज वो पॉज होके दोबारा नो रनिंग स्टेट में आ जाता है सबसे पहले यहाँ पे प्रोसेस सेंटर हो रहा है ये हमारे पास क्या है क्यू क्यू आपको पता है यहाँ पे क्यू के अंदर मल्टीपल जॉब्स एंटर हो रही होती है मल्टीपल प्रोसेस एंटर हो रहे होते हैं तो जो प्रोसेस आता है क्यू के अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की ऑर्डर की बेस के ऊपर डिस्पैच होता है प्रोसेसर उसे चलाता है और एग्जिट कर देता है अगर को, कोई प्रोसेसर है जिसको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पे चीजें नहीं मिलती फॉर एग्जाम्पल किसी को प्रिंटर नहीं मिल रहा किसी को स्कैनर नहीं मिल रहा किसी को ईमेल की कमांड दी गई और उसको इंटरनेट नहीं मिल रहा तो वो प्रोसेस क्या करेगा यहाँ से पॉज करेगा पॉज होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा और दोबारा से वो क्यू में लग जाएगा जैसे ही उसको प्रिंटर स्कैनर या इंटरनेट की कमांड मिलती है तो वो दोबारा प्रोसेस में आएगा और कंप्लीट होने के बाद एग्जिट हो जाएगा तो ये है टू स्टेट प्रोसेस मॉडल टू स्टेट ट्रांजिशन मॉडल कि किस तरीके से टू स्टेट ट्रांजिशन मॉडल वर्कआउट करता है इसके बाद हमने फाइव स्टेट ट्रांजिशन मॉडल पढ़ना है और इसके बाद फर्दर आगे प्रोसेस की ट्रांजेक्शन मॉडल पढ़ते रहना है मैं अगेन दोबारा से रिपीट कर देता हूँ जब भी कोई न्यू प्रोसेस आता है वो यहाँ से एंटर होता है नोट रनिंग स्टेट में यहाँ से डिस्पैच होता है रनिंग रनिंग स्टेज में अगर तो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको रिसोर्स मिल जाते हैं तो वो एग्जिट हो जाता है अगर उसको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिसोर्स नहीं मिलते तो वो स्टेट में चला जाता है जैसे उसको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिसोर्स मिलती है तो वो यहाँ से डिस्पैच होता है रनिंग स्टेट में आता है और एग्जिट हो जाता है ठीक है इसी तरह यहाँ से प्रोसेस सेंटर होता है क्यू के अंदर चला जाता है यहाँ से डिस्पैच होता है प्रोसेसर में जाता है और एग्जिट हो जाता है अगर रिक्वायरमेंट के बुक कोडिंग रिसोर्सेज नहीं मिलते तो वो दोबारा पॉज हो गए क्यू के अंदर अगेन चला जाता है तो ये था आज का हमारा लेक्चर प्रोसेसर रिलेटेड जो मैंने आपसे डिस्कस किया इससे फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे हम डिस्कस करेंगे सो so, बेटा थैंक यू आपको बहुत बहुत शुक्रिया इन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देखें समझें पढ़ें अगर कोई इशू आता है तो वो डिस्कस करें ये स्लाइडें आपके पास बनी हुई हैं पढ़ी हुई हैं आपको मिली हुई हैं ठीक है थीके? इनको अच्छे तरीके से गो थ्रू करें ठीक है जी थैंक यू अल्लाह हाफिज <laughs>